उस एक पर्सन को मैं जानता हूँ एंड उसका कोई फ्रेंड था उसके पास लाइसेंस भी नहीं था ड्रिंक करके वो ड्राइव कर रहा था ऑब्वियसली पकड़ लिया एंड फिर डायरेक्ट उसको डिपोर्ट भी कर दिया हेलो एवरी वन आई एम बैक विद अनदर वीडियो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कनाडा में करते हैं इवन कि मैंने खुद देखा है कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दो लोग थे उन्होंने वो मिस्टेक करी एंड उनको वो रिजल्ट देखने को मिला सो so, इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैनल के ऊपर आल्स के साथ आपको कैनेडा के रिलेटेड भी बहुत सीखने को मिलेगा सो so, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं So, सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स कर सकते हैं जब करते हैं वो है कि वो अपने जो आवर्स हैं वर्किंग नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं हर एक स्टूडेंट एक हफ्ते में बीस घंटे ही काम कर सकता है उससे ऊपर नहीं करता बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ट्राई करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीकों से अगर कोई भी आप रूल यहाँ पे तोड़ रहे हो आपको सेकेंड चांस नहीं मिलता एक्स्ट्रा घंटे काम करके अगर आप एक्स्ट्रा एक आधी शिफ्ट भी लगा लेते हो तो मैक्सिमम आप सौ दो डॉलर ज्यादा अर्न करोगे है ना बट इनकेस अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर बहुत बड़ी उसकी यू नो प्रॉब्लम क्रिएट हो तो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है वर्क परमिट नहीं मिलता कई बार तो स्टूडेंट को वापस भी जाना पड़ता है कई बार तो वो डिपोर्ट भी कर देते हैं क्योंकि रूल्स जो हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए सो so, मैं क्या बिलीव करता हूँ जिस कंट्री में आपने सोचा है कि आपने सक्सेसफुल होना है उसके रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए कोई भी रूल आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए सो so, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो काफी आप आपको देखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट ने इतने घंटे काम करा देन फिर उन्होंने ये एक्शन लिया जब आप स्टडी कर लोगे तो आप वर्क परमिट पे आ जाओगे फिर कितने मर्जी घंटे आप काम कर सकते हो बट एट लीस्ट जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक तो आप ट्वेंटी आवर्स ही काम कर सकते हो प्लीज उससे ज्यादा मत करो आई एग्री कि हमने फीस निकालनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है अगर आप रिस्पॉसिबिलिटीज को प्रायोरिटी दे रहे हो आपको रूल्स को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए बिकॉज इस कंट्री में वो एक रूल है एक लॉ है कि आपने वो फॉलो करना है अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली वो, तो वो आगे जाकर तो ऑब्वियसली वो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सेकेंड मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स वही कि स्टडी को प्रायोरिटी नहीं देते लिए हम एक जगह पे काम नहीं करेंगे हम ग्रो होंगे हम बाकी और फील्ड में जाएंगे जब आप स्टडी को छोड़कर शिफ्ट के ऊपर ध्यान देते हैं तो यू you नो know, हम वहीं तक लिमिटेड रह जाते हैं तो हम उससे ज्यादा आगे ग्रो नहीं हो पाते तो प्लीज आप स्टडी के ऊपर भी ध्यान दो ताकि आप स्टडी करके कोई अपॉर्चुनिटीज देख सको बाकी अपॉर्चुनिटीज आप देख सको स्टडी करके थर्ड मिस्टेक यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा ड्राइविंग की रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा जाता है तो भाई बहुत बड़ी उसकी सजा है हमारे लाइक यहाँ पे मैं काम करता हूँ उस एक पर्सन को मैं जानता हूँ एंड उसका कोई फ्रेंड था उसके पास लाइसेंस भी नहीं था ड्राइव भी कर रहा था ड्रिंक करके वो ड्राइव कर रहा था ऑब्वियसली कॉप्स ने उसको पकड़ लिया एंड फिर डायरेक्ट उसको डिपोर्ट भी कर दिया तो प्लीज़ आप बिना लाइसेंस के ड्राइव मत करो एंड ड्रिंक एंड ड्राइव तो बहुत बड़ा यू you नो know, क्राइम है यहाँ पे उसको उससे तो कोई बाच ही नहीं सकता ड्रिंक एंड ड्राइव यहाँ से सबसे बड़ा क्राइम है एंड ट्रैफिक रूल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप काफी मिस्टेक्स करते आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है काफी टाइम के लिए एंड फिर कंपनीज भी आपको हायर नहीं करती वो देखती हैं कि भाई इसकी तो ड्राइविंग हिस्ट्री इतनी खराब है आपकी इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो काफी टाइम के लिए लाइसेंस आपका सस्पेंड कर दें तो फिर आप ड्राइव ही नहीं कर सकते अगर लाइसेंस सस्पेंड करने के बावजूद भी ड्राइव कर रहे हो तो फिर उसका तो बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक्स यहाँ पे मत करो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ लोग ही ऐसे मिल जाते हैं कंपनी वो कह देते हैं कोई बात नहीं यहाँ पे कह पुलिस है ये है वो है कभी किसी के मत सुनो जो रूल है प्लीज उसको फॉलो करो एंड एक और क्या सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी को मत शेयर करो किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स है मुझे सेंड कर दो प्लीज़ मेक श्योर करो अगर आपके फ़ोन में भी है ना तो वो विजिबल ना हो उसको हाइड करके रखो क्योंकि मैंने आ, जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक दो पेजेस होते हैं ना वहां पे मैंने कुछ एक दो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ पढ़े उन्होंने कहा था कि भाई मेरे फ़ोन में डॉक्यूमेंट थे ऐसा करके ऐसा हो गया सो प्लीज़ किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो क्योंकि टाइम के साथ ना आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बहुत लोग बदल जाते हैं जो स्टार्टिंग में कहते हैं कि हम आपके साथ हैं बाद में कोई स्टे नहीं करता सो मेक श्योर की आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखो एंड अपना भी ध्यान रखो और कौन सी मिस्टेक यहां पे मैंने देखे वर्क तो करना स्टार्ट करो कोई भी देखा है आठ साल का लोन लेते हैं कार की प्राइस भी इतना ज्यादा होता है लाइक सेवनटी थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड उतनी अमाउंट हमने कभी बैंक अकाउंट में नहीं देखी ईवन की उसकी हाफ भी नहीं है फिर भी इतना बड़ा लोन ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है क्योंकि जो सेवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड आप इतना स्पेंड कर रहे हो वो कार्स इतनी रिलायबल भी नहीं होती वो तब ही हमें बाय करनी चाहिए अगर हमारा यू you नो know, हम उतना कमाते हैं साल का अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आप साल का इतना कमा सकते हो या महीने के इतने हजार डॉलर कमा रहे हो फिर तो चलो ठीक है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं या फिर वर्क परमिट पे होते हैं तब आप ज्यादा बड़ा लोन मत लो क्योंकि आगे जाकर वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको पता है कि जो गैस प्राइस है ना वो गैस प्राइस काफी ज्यादा हो गया कनाडा में इतना ज्यादा हो गया था कि को अपने खर्चे उठाना लोगों को अपने खर्चे उठाना डिफिकल्ट हो गया था इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी चीजें कि देखो यार इतना गैस प्राइस है लोग बसेस पे जाना शुरू कर रहे थे कार्स ड्राइव करना छोड़ गए थे बिना रीजन के कोई कार नहीं ड्राइव करता था क्योंकि एक बार तो गैस प्राइस दो डॉलर से भी ऊपर चला गया था पर लीटर जब मैं आया था तो वहाँ पे जब मैं कनाडा आया था तो गैस प्राइस एक डॉलर से भी कम था अभी दो डॉलर से भी एक बार ऊपर हो चुका था फिर थोड़ा सा कम आया है एंड थोड़ा थोड़ा करके लोगों को जो खर्चे उठाने अपने मुश्किल पड़ गए तो अपने हिसाब से चलो किसी भी चीज़ में यू you नो know, आपको रश नहीं करना चाहिए या कुछ बाय करना है एक्साइटमेंट हर एक को होती है कि मैं ये कार ड्राइव करूं या फिर मैंने ये चीज़ बाय करनी है बट एक बार मेक श्योर sure करो कि आप उसको एक्चुअली में अफोर्ड कर सकते हो या नहीं अगर नहीं कर सकते थोड़ा वेट करो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप उससे भी ऊपर अफोर्ड कर सको सो so, पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी तो यही मैं आपको बताना चाहता था एक तो कोई रूल मत तोड़ो अपने आवर्स का ध्यान रखो कितने कर रहे हो स्टडी को प्रायोरिटी दो कोई भी ट्रैफिक के लिए रूल मत तोड़ो एंड अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये खुद चीज़ें देखी हैं होती हुई एंड मैं बस आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इन सभी चीजों का ध्यान रखो अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी और क्वेश्चन है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज है वंडरफुल डे